get be okay. Be okay. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it. Lieutenant General Asim Munir साहब ने आते के साथ ही विजिट किया है कश्मीर का. बिल्कुल हमारे यहाँ चाहे गवर्नमेंट आए, चाहे हमारी कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाए, कोई प्रेसिडेंट आ जाए, या फिर हमारे कोई आर्मी चीफ नए आए, जो भी आता है सबसे पहला भाषण और सबसे पहला विजिट वो कश्मीर का ही करता है. चाहे उसके बाद पूरे साल या जब तक उनका टेन्योर है वो बिल्कुल भी ना पूछे, लेकिन हाँ उस वक्त जरूर पहुंच जाते हैं. आते के साथ ही उन्होंने भी जाके कश्मीर का विजिट किया है और कहा है कि जी हम अपनी जमीन की हिफाजत करेंगे, जो कि करनी भी चाहिए सर, आपकी ड्यूटी है. और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर भारत ने हमारे ऊपर किसी किस्म की जंग जो है मसल्लत की यानी पोस्ट की, तो हम उसका भी मुकाबला करेंगे. वैसे सर अभी तक जितनी जंगें हुई हैं हम ही ने शुरू की हैं, भारत वाले तो जंग मतलब स्टार्ट करते ही नहीं, हाँ एंड जरूर कर देते हैं. तो ये है कि आप जरा सा सोचिएगा कि इस बार भी जंग हमने ही शुरू करनी है, क्योंकि अगले तो करते नहीं है. वो तो बैठ के मूंगफलियां खाते रहते हैं या कुछ ना कुछ चिलगोजे खाते रहते हैं या बैठ के इंतजार करते रहते हैं हमारा, लेकिन ये के मजाल है जो खुद से जंग शुरू कर दें. ये तो उन्होंने 71 में भी नहीं की, 65 की जंग भी हमने खुद ही की थी. उसके बाद सर कारगिल भी हमें ही कोई जोश उठाता तो हमने कहा चलो जी जाके कारगिल पे चढ़ाई कर दें. और इसी तरह की सर छोटी हो मोटी हो जैसी मर्जी जंग हो, जिस तरह का मर्जी फड्डा हो झगड़ा हो कुछ भी हो, वो शुरू हम ही करते हैं, हम पहुंच जाते हैं. हाँ जी बताओ, जी बताओ कितने आदमी थे सरदार दो. लेकिन खैर ये मैं बात नहीं कर रही आपसे, मैं आपको ये बता रही हूँ कि जी इस बार भी जो है वो आर्मी चीफ जो है उन्होंने अपनी कमांड संभालते के साथ ही पहला विजिट उन्होंने कश्मीर का किया है. और कश्मीर में जाके उन्होंने ये कहा है कि जी हम अपनी जमीन की हिफाजत करेंगे, दुश्मन की हम ईंट से ईंट बजा देंगे. बिल्कुल बिल्कुल, और इस पे मुझे पूरा यकीन है. और मैं पिछली हिस्ट्री भी पढ़ चुकी हूँ और उस हिस्ट्री को पढ़ने के बाद तो मुझे और भी यकीन हो गया है कि हमने ईंट से ईंट ही बजानी है वैसे. और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमारे ऊपर जंग मसल्लत की गई, यानी कि कमाल ही हो गया सर, अभी तक तो किसी ने जंग मसल्लत की नहीं, मतलब हम खुद ही पहुंच जाते हैं और उसके बाद खुद ही वापस भी आ जाते हैं. मतलब हथियार वतियार तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये कि बहरहाल हम जाते भी खुद ही हैं और हम आते भी खुद ही हैं. और उसके बाद हम कहते हैं जी जंग उन्होंने मसल्लत कर दी, मगर ये जरूर है कि पिछले दिनों उन्होंने एक छेड़खानी शुरू कर रखी है. भारत की तरफ से बार बार कहा जाता है हम पीओके ले लेंगे, गिलगित बल्तिस्तान ले लेंगे, हम आजाद कश्मीर का, जैसे हम आजाद कश्मीर कहते हैं भारत वाले उसको पीओके कहते हैं. तो जी उनका कहना है कि जी हम आजाद कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे, जब हमारी गवर्नमेंट कहेगी हम चले जाएंगे. तो ठीक है सर, स्टेटमेंट्स ही चलती रहनी चाहिए. मेरा ख्याल है दोनों तरफ से खून खराबा कोई नहीं होना चाहिए, तो आप भी भाषण देते रहिए और भारत की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आती रहेंगी. तो उसको बस आपने दिल पे नहीं लेना है, आपने अपने अपनी रोजी रोटी जो कश्मीर से रखी हुई है संभाल के, यानी जाहिर है कश्मीर हमने रखा इसीलिए. अभी तो कश्मीर के साथ साथ हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें अफगानिस्तान का बॉर्डर भी मिल गया है और वहां से टीटीपी वाले आते हैं, तो सर वहां से भी मतलब खाने कमाने की जो राह है वो निकल आई है. लेकिन देखते हैं कि आखिर ये कश्मीर का मसला और कितने साल इसी तरह से रखने वाले हैं, क्योंकि सर बैठ क्यों नहीं जाते, बात क्यों नहीं कर लेते, डायलॉग के जरिए मसले को हल कीजिए. और जो कश्मीर के लोग हैं जिनकी वो जमीन है, जो हकदार हैं, जो उसके मालिक हैं, उनको बुलाइए और उनसे बात कीजिए और उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या करना है और वो क्या चाहते हैं, तो ही बेहतर होगा. और ये कश्मीर का इशू सॉल्व होगा तभी भारत के साथ हमारे कुछ टर्म्स भी बेहतर हो पाएंगे. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों के कारोबार चलते हैं, जिन लोगों की दुकानें चल रही हैं, जिन लोगों के घर यही कश्मीर का चूरन बेच बेच के और हिंदुस्तान से नफरत बेच बेच के चल रहे हैं, वो जाहिर है अपना कारोबार ठप नहीं करेंगे. उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं सर, फीस बहुत ज्यादा हो गई है. और अब फीस तो उतनी ही है असल में जितनी पहले थी, उतने ही $1,000 या $1,00,000 देने पड़ते हैं, लेकिन पाक रुपीस क्योंकि कहीं कहीं से कहीं चला गया है, इस वजह से जो है वो हमें ऐसा लगता है कि शायद हमें ज्यादा फीस देनी पड़ रही है, ज्यादा खरीदारी करने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं. तो जाहिर है उसके लिए खाना कमाना भी जरूरी है. लेकिन सर अब ये कश्मीर का चूरन बिकने वाला है नहीं, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है और अब सब लोगों को समझ आ गई है, सब लोग सब समझ गए हैं. और इमरान खान के टेन्योर में तो जिस तरह की बातें की गई हैं वो सुन सुनकर तो सर
और भी सबको एस्टेब्लिशमेंट का पता लग गया है। As far as Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is been given by the government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it. और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आज भी यदि सीमा पर जरूरत होगी, यदि फौज को कहीं से कोई कमी दिखाई देगी, हमारे पूर्व सैनिक भी सीमाओं पर आज भी जाने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे ऐसे पूर्व सैनिकों को हमने देखा है। पीओके धैर्य रखिए, धैर्य।